नमस्कार डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर पर कोई ई चालान बकाया है तो उसे समय पर भर दें। ऐसा ना हो कि लंबी अवधि से पेंडिंग कोई ट्रैफिक चालान आपकी कार या बाइक के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का कारण बन जाए या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले आपके वाहन को ही जब्त कर ले जाएं। दरअसल दिल्ली परिवहन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 90% लोग अपने चालान नहीं भर रहे हैं। खासतौर पर ऐसे चालान जो 2000 रुपये इससे ऊपर के हैं, सालों से लंबित हैं, वहीं जिससे ट्रैफिक व अन्य नियम पालन संबंधी सरकार की सभी पॉलिसी फेल हो रही है। ऐसे में अब दिल्ली परिवहन विभाग ने इस बारे में 30,000 कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा है, जिससे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो चालान नहीं भर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी परिवहन विभाग को ऐसे लोग जो चालान नहीं भर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। पहले अक्सर रास्तों पर लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से चालान के लिए बहस करते देखे थे। बता दें कि बीते कुछ सालों में दिल्ली में ट्रैफिक चालान के लिए कैमरों की संख्या बढ़ी है। अब लाल बत्ती जंप करने, स्पीड में वाहन चलाने आदि पर ई चालान भेजा जाता है, जिसका मैसेज वाहन रजिस्टर्ड करवाते हुए दिए नंबर पर भेजा जाता है। वहीं दिल्ली परिवहन विभाग सूत्रों की माने तो सरकार दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव करने पर भी सोच रही है, जिसमें ऐसे वाहन मालिक जो लंबे समय से चालान नहीं भर रहे हैं उनके वाहन पहले जब्त किए जाएंगे, फिर भी अगर वह चालान नहीं भरते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन तक रद्द किए जाने का प्रावधान हो सकता है। वहीं जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच दिल्ली परिवहन विभाग ने PUC नहीं होने, डीजल वाहनों और अन्य नियम तोड़ने पर कुल करीब 3,06,225 चालान किए हैं।